प्रकृति आज भी एक रहस्य है जिसमें कई ऐसी दुर्लभ चीजें हैं जिन्हें देखकर हम यह सोच हैरान रह जाते हैं कि इनकी रचना कैसे हुई होगी। कई अद्भुत और अद्वितीय रचनाओं का इस संसार में विशाल भंडारण है जिनका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के कथनानुसार यदि प्रकृति में कोई रचना सबसे अद्भुत है तो वह है मानव शरीर। गौर किया जाए तो निर्माता ने इसमें कई विशेषताओं का एक अनोखे एवं रहस्यमय तरीके से समावेश किया है जिस पर आधुनिक विज्ञान आज भी हैरान है और वैज्ञानिक लगातार परीक्षण कर रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मानव शरीर में ही स्थित एक दुर्लभ और अदृश्य शक्ति के बारे में। क्या आपको अचानक से आपके आसपास कभी कभी किसी अनहोनी की आशंका होने लगती है, या आप अचानक से किसी जगह से इसलिए उचले जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो जगह आपके अनुकूल नहीं है, या फिर आपको ऐसा आभास होता है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है और कुछ समय बाद आपको ऐसा ही कोई समाचार सुनने को मिल जाता है? यदि हाँ, तो यह इस बात की तरफ संकेत करता है कि आपके अंदर पूर्वाभास की एक अद्भुत विशेषता है और आपकी छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस सक्रिय है जो आपको आने वाली परिस्थिति से अवगत कराती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छठी इंद्री क्या होती है। ये समझने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं क्या होती है इंद्री। इंद्रिय शरीर का वह अवयव है जिसके द्वारा हम कोई काम करते हैं या कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं। इंद्रियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां मानव शरीर के वे अंग हैं जिनसे हम अपने जीवन की दैनिक क्रियाएं करते हैं। मुंह, हाथ, लिंग, गुदा और पैर, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। हम मुंह से भोजन करने और बोलने का काम करते हैं। हाथ से प्रायः किसी पदार्थ को पकड़ने तथा छोड़ने का काम करते हैं। लिंग से मूत्र विसर्जन एवं प्रजनन कार्य होता है। गुदा से वायु एवं मल का विसर्जन होता है तथा पैर से चलने का काम होता है। वही इंद्रियों का दूसरा प्रकार है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के वे अंग हैं जो देखने, सुनने, महसूस करने, स्वाद, रंग का पता लगाते हैं। मानव शरीर में त्वचा, आंख, कान, नाक और जीभ, यह पांच प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है। त्वचा, महसूस करने का, आंखें देखने का, कान सुनने का, नाक गंध का पता लगाने का और जीभ स्वाद को परखने का काम करती है। इन पांच दिखाई देने वाली ज्ञान इंद्रियों के अलावा हमारे शरीर में एक अदृश्य इंद्री भी होती है जिसे छठी इंद्री कहा जाता है। कहां स्थित होती है छठी इंद्री? मस्तिष्क के भीतर कपाल के नीचे एक छिद्र है, उसे भ्रमरंध्र कहते हैं। वहीं से सुषुम्ना रीढ़ से होती हुई मूलाधार तक गई है। सुषुम्ना नाड़ी जुड़ी है सहस्रार से। इड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है तथा पिंगला नाड़ी दाईं तरफ, दोनों के बीच स्थित है छठी इंद्री। यह इंद्री सभी में सामान्य रूप से सुप्तावस्था में होती है। सुषुम्ना मध्य में स्थित है, अतः जब हमारे दोनों स्वर चलते हैं तो माना जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। इस सक्रियता से ही सिक्स्थ सेंस जागृत होता है। आप अक्सर ऐसे लोगों से जरूर मिले होंगे जो आपको कुछ बुरा होने के खतरों के बारे में संकेत दे देते हैं और उनकी कही बात सच जरूर होती है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि उनकी सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय जागृत अवस्था में है। तब जागृत होती है छठी इंद्री। छठी इंद्री के जागृत होने की भी एक प्रक्रिया होती है। बहुत कम ही मामलों में यह जन्म के साथ पाया जाता है। अधिकांशतः किसी खास उम्र में जाकर इसे जागृत किया जा सकता है। इसके जागृत होने की कोई उम्र सीमा भी नहीं होती। अलग अलग मनुष्यों में यह अलग अलग होता है। छठी इंद्री जागृत होने से क्या होता है? जैसे जैसे छठी इंद्रिय जागृत होने लगती है, उस व्यक्ति का आईक्यू लेवल और सतर्क होने की क्षमता भी विकसित होने लगती है। इस वजह से उसमें दूसरों के मन के विचारों और भावनाओं को पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित होने लगती है। कुछ इंसान, खासतौर से जो लोग बुजुर्ग है, आपने देखा होगा कि अपनी मृत्यु के बारे में पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं। जिन लोगों का सिक्स्थ सेंस काम करता है वो लोग अपनी मृत्यु के 10 से 15 दिन पहले ही अपनी मृत्यु का पूर्वाभास कर लेते हैं। जिन लोगों की छठी इंद्रिय काम करती है उन्हें दैवीय शक्तियों का एहसास होता है। वो अपने आसपास मौजूद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की शक्तियां महसूस करने की क्षमता रखते हैं। जिन लोगों की सिक्स्थ सेंस जागृत होती है वे अपने आसपास के माहौल में हर छोटे से छोटे परिवर्तन को महसूस कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो बिना रोशनी के भी अपना काम आसानी से कर लेते हैं। वजह ये होती है कि उनका सिक्स्थ सेंस काम करने लगता है। आंखों की रोशनी जाने पर अंधेरा सिर्फ आंखों के आगे छाया होता है, लेकिन उनका सिक्स्थ सेंस उनके आसपास का नक्शा तैयार करके उनके मस्तिष्क में चित्रण करने लगता है, जिसकी वजह से वे अपने आसपास की हर चीज को महसूस करने लगते हैं। छठी इंद्री प्राप्त व्यक्ति में भविष्य में झांकने की क्षमता का विकास होता है। अतीत में जाकर घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। मीलों दूर बैठे व्यक्ति की बातें सुन सकते हैं।
किसके मन में क्या विचार चल रहा है इसका शब्दों से पता लग जाता है। एक ही जगह बैठे हुए दुनिया की किसी भी जगह की जानकारी पल में ही हासिल की जा सकती है। छठी इंद्री प्राप्त व्यक्ति से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता और इसकी क्षमताओं के विकास की संभावनाएं अनंत हैं। यह इंद्री आपकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप इसके प्रति समर्पित हों। यह किसी के भी अतीत और भविष्य को जानने की क्षमता रखती है। छठी इंद्री आपके साथ घटने वाली घटनाओं के प्रति आपको सजग कर देगी, जिस कारण आप उक्त घटना को टालने के उपाय खोज लेंगे। इसके द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से उपासक अपने संकल्प को पूर्ण कर लेता है। इससे विचारों का संप्रेषण यानी टेलीपैथिक, दूसरे के मनोभावों को ज्ञात करना, अदृश्य वस्तु या आत्मा को देखना और दूरस्थ दृश्यों को जाना जा सकता है। इस इंद्री के पुनर्तक जागृत व्यक्ति स्वयं की ही नहीं दूसरों की बीमारी दूर करने की क्षमता भी हासिल कर सकता है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि छठी इंद्रिय की बात सिर्फ कल्पना नहीं, वास्तविकता है, जो हमें किसी घटित होने वाली घटना का पूर्वाभास कराती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के रॉन रेसिक ने एक अध्ययन कर पाया कि छठी इंद्रिय के कारण ही हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। आज की वीडियो में हमने आपको छठी इंद्रिय और इसकी विशेषताओं के बारे में बताया। अगली वीडियो में हम बताएंगे छठी इंद्रिय को आप किस तरह जागृत कर सकते हैं। तो अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।